हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पुडिनिक्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलाहाबाद के रूफटॉप रेस्टोरेंट्स। तो चलिए देखते हैं ये सब जगह कैसी है, यहाँ का एम्बियंस कैसा है और व्यू के साथ यहाँ का फूड कैसा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला लोकेशन है ओल्ड स्कूल कैफे। ये सिविल लाइन नेक्सा शोरूम के ऊपर है। तो गाइज, आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं। इनका इंडोर के साथ आउटडोर भी एम्बियंस है और बहुत ही अच्छा है। इनको रेड एफएम का ठप्पा भी मिल चुका है। एम्बियंस काफी सोबर है। आप इनका आउटडोर का एम्बियंस देख सकते हैं जो कि रूफटॉप है। इनका एम्बियंस बहुत ही सुंदर है। सीटिंग अरेंजमेंट भी बहुत बढ़िया कर रखी है। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था हनी चिली पोटैटो और साथ में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है पैन फ्राइड वेज नूडल्स। सो गाइज, हमने जो भी यहाँ पे ऑर्डर किया था वो सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है और आप इनका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। दिखने में खाना बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये जो पैन फ्राइड वेज नूडल्स हैं आप उसको देख सकते हैं, प्रॉपर वेजीज से लोडेड है और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और हनी चिली पोटैटो भी काफ़ी बढ़िया है, दिखने में तो बहुत क्रिस्पी लग रही है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम टेस्ट भी कर लेते हैं। ये पैन फ्राइड नूडल्स है, हमने नया ट्राई किया था। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लग रहा है। गाइस, ये जो नूडल्स है, जैसा कि गणेश ने बताया है कि लाजवाब तो है ही, इसमें इन्होंने वेजीज में जुकीनी, बेबी कॉर्न, मशरूम वगैरह बहुत अच्छे से डाला है और टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। इसमें गार्लिक सॉस का भी फ्लेवर आ रहा था जिसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। और ये जो हनी चिली पोटैटो है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बिल्कुल भी सॉगी नहीं हुई है और टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। और साथ में हमने यहाँ पे लास्ट में ऑर्डर की थी कॉफ़ी फ्रैपे, ओल्ड स्कूल फ्रैपे, ये कोल्ड कॉफ़ी थी जिसका टेस्ट मुझे नॉर्मली लगा। ओवरऑल ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। हमारी सेकेंड लोकेशन है ब्लंच एंड डाइन। ये SS टावर ऑटो सेल चौराहा सिविल लाइंस में है। और गाइस, आप इसका एम्बियंस भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। इस रेस्टोरेंट का हमने फुल रिव्यू भी कर रखा है, वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी वीडियो। और जैसे कि आप, मैंने बोला है, एम्बियंस बहुत बढ़िया है यहाँ का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीटिंग्स भी है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। लंच एंड डाइन हैज अ मल्टी क्यूजिन स्पेस। दे हैव स्पेशल फ्यूजन डिशेस क्यूरेटेड ओनली फॉर देयर मील एंड मेन्यू। एंड जो इनकी प्रेजेंटेशन है इट्स रियली ऑसम। आप देख सकते हैं ये इनका मोमोज बकेट है और बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने प्रेजेंट किया है। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ वेरी वेरी नाइस, आई जस्ट लव्ड इट। दे हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर ब्लंच एंड डाइन सिग्नेचर डिशेज दैट्स मेक यू ड्रूल। सिंस वी वॉन्टेड टू ट्राई बिट ऑफ एवरीथिंग सो वी ऑर्डर दीज डिशेज। हैव अ लुक। सो गाइज, इन सारी चीज़ों को हम ट्राई करते हैं और बताते हैं इनका टेस्ट कैसा है। सो गाइज, मैं बकेट मोमोज ट्राई कर लेती हूँ और मैं लंच एंड डाइन स्पेशल मोमोज। तो गाइज, आप देख सकते हैं इन्होंने काफी अच्छे से इसमें चीज वगैरह डाल रखा है और मोमोज की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। ये सारे वेज मोमोज हैं और देखने में तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए इसको ट्राई कर लेते हैं। गाइस, आपको इनकी स्टफिंग दिखाते हैं। स्टफिंग देखिए पूरी तरीके से भरी हुई। टेस्ट बताते हैं इसका। स्टफिंग में इन्होंने क्रीम का यूज किया है, अंदर कैप्सिकम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका फ्लेवर। इनकी जो
चटनी है, स्पाइसी है, जो इस चीज को पूरी तरीके से परफेक्ट बना रही है। इनका जो स्पेशल है ये ब्लंच एंड डाइन स्पेशल मोमोज परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। सो गाइस, ये इनका ब्लंच एंड डाइन बकेट मोमोज है। इन्होंने इसमें काफी ज्यादा चीज वगैरह डाला था एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट था और ये कितना टूट गया है, बट इसमें जो इन्होंने स्टफिंग कर रखी है वो बहुत ही बढ़िया स्टफिंग कर रखी है, कैप्सिकम कैबेज, सो नाइस। सो गाइस, ये मैंने बकेट मोमोज ट्राई किया था, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने इसमें काफी चीज वगैरह डाल रखी है, चीज की वजह से इसका टेस्ट और एनहांस हो रहा है, इट्स रियली नाइस। सो गाइस, हमने ब्लंच एंड डाइन की सारी सिग्नेचर डिशेज स्टार्टर्स में हमने ट्राई करी थी, उन सबका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड फूड लोकेशन है बेंजीन रेस्ट्रो, ये प्रीतम नगर कॉलोनी सिविल लाइंस में है। आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं कितना सोबर है और कितना व्यू ऑफरिंग रेस्ट्रो है। यस, इनका रेस्टोरेंट व्यू ऑफरिंग भी है और आप देख सकते हैं काफ़ी फंकी पेंटिंग्स वगैरह कर रखी है और फ्लोरल टच के साथ एम्बियंस बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप इनकी सीटिंग देख सकते हैं, दो फ्लोर में इन्होंने बना के रखा है और बहुत ही सुंदर इन्होंने बनाया है। तो गाइज, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था ओरिएंटल सिजलर और इसमें हमें काफ़ी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमें फ्राइड राइस मिला है, नूडल्स, चिली पनीर, मंचूरियन एंड फ्रेंच फ्राइज। दिखने में सिजलर बहुत बढ़िया लग रहा है, चलिए इसको अब हम ट्राई भी कर लेते हैं। गाइज, मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस टेस्ट किया था, टेस्ट अच्छा था बट चावल जो था वो पका नहीं था, वो थोड़ा सा और कुक हो सकता था। और मैं ये ट्राई कर रहा हूँ मंचूरियन, सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट इसका, जैसे इस निहारिका ने कहा चावल और कुक हो सकता था। ओवरऑल टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पेशली इनका चाउमीन वो बहुत ही अच्छा था। सो गाइज, हमारी फोर्थ लोकेशन है रूफ पार्क, इसकी लोकेशन है तस्कन मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज। ओल्ड स्कूल कैफे, रूफ पार्क और बेंजीन, ये तीनों रेस्टोरेंट आसपास में ही हैं। और गाइज, आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत सुंदर एम्बियंस है, इन्होंने जो भी इंटीरियर यहाँ पे लगा रखा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं, इंटीरियर बहुत बढ़िया है। सो गाइज, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था मैक एंड चीज़ और आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, आप चीज़ देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से इन्होंने डाल रखा है एंड मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। वाओ, इसका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था, गार्लिक का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था, साथ में हमें गार्लिक ब्रेड भी मिली थी एंड मैक एंड चीज़ यहाँ का वाव था, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो गाइज, मैं ट्राई कर रहा हूँ रूफ पार्क ट्रिपल लेयर सैंडविच, आप इनकी क्वांटिटी देख सकते हैं, दो लोग आराम से इसे खा सकते हैं। आपको इसकी स्टफिंग दिखाता हूँ, इन्होंने देखिए तीन लेयर में दिया है, एक में वेजिटेबल्स है, एक में आलू की स्टफिंग है, बहुत ही अच्छा लग रहा है खाने में, इसे ट्राई करिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। रूफ पार्क का इनका इंडोर सीटिंग भी है और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका फुल रिव्यू करें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, हमारा फिफ्थ लोकेशन है कबाना, ये आर ए टावर पुरुषोत्तम दास टंडन मार्ग में है, जस्ट अपोजिट BHS। आप इस वीडियो का फुल रिव्यू हमारे ही चैनल में देख सकते हैं। और गाइज, आप इनका एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा व्यू ऑफरिंग रेस्टोरेंट है ये,
और यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट भी होते हैं सैटरडे संडे को। आप यहाँ पे विजिट करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस, हमारा मेन कोर्स आ गया है। गाइस, ये है रारा चिकन, इसका प्राइस है 310 हाफ, और ये है हमारा पनीर टिक्का मसाला और इसका प्राइस है 270। डिलीशियस है, दिखने में भी डिलीशियस लग रहा है और है भी डिलीशियस। जो चिकन है वो बहुत ही टेस्टी है, जो भी मसाले इन्होंने यूज़ किए हैं वो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। परफेक्टली कुक्ड है, एकदम परफेक्टली, बहुत अच्छा लग रहा है टेस्ट इसका। पनीर देखें, पनीर इतना सॉफ्ट है, लिटरली बहुत टेस्टी है। तो गाइस, ये जो रारा चिकन है ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही परफेक्टली इन्होंने चिकन को बेक किया है, बहुत टेस्टी है। आप यहाँ आइए तो इसको तो ज़रूर ट्राई करिएगा, ये यहाँ का स्पेशल भी है। सो फ्रेंड्स, आप कबाना का नाइट व्यू देख सकते हैं, लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनका एम्बियंस। इलाहाबाद में और भी बहुत सारे रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं, उसका भी हम जल्दी रिव्यू करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। स्टे सेफ, लिव बेटर, बाय गाइस।